मैं इन दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं आप सब लोगों की तरफ से। उसके साथ साथ मैं इन दोनों से उम्मीद भी रखता हूं कि इनके नेतृत्व में इनकी संगठन क्षमता के अंतर्गत इनकी मेहनत से सुजानगढ़ में कांग्रेस मजबूत होगी, चाहे वो शहर हो चाहे देहात हो। मैंने लोगों को दोनों को आगाह भी कर देना चाहता हूं कि चुनाव बहुत नजदीक हैं। आप लोगों को कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, मीटिंगें करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो नवंबर में चुनाव है विधानसभा के, उसमें हमारा काम सफल होगा। मैं सविता जी से उम्मीद रखता हूं कि वो शहर के अंदर इतना जबरदस्त काम करेंगी, मेरी भावना है कि कम से कम सुजानगढ़ शहर के अंदर हमारी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस कम से कम 5,000 वोटों से आगे रहे, तब तो आनंद की बात है। और बिदासर में धर्मजी बैठे, बाबूलाल जी बैठे, भागीर जी बैठे, बिदासर में कौन जी बैठे, बिदासर में कम से कम सुजानगढ़ से आधे तो आगे रहे 2,500। आप ज्यादा बढ़ा देना, मेरी ताकत इतनी है, आदमी ताकत के अनुसार काम। आपकी मेहनत तब रंग लाएगी जब कम से कम 25,000 वोटों से हमारे देहात आगे रहेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास भी है कि जिस तरह से बहुत ही कम समय में आप लोगों को इतला हुई कि भी ये दो नियुक्तियां हुई है, और इन नियुक्तियों के साथ साथ मैं कल इनको थोड़ा सा मिठाई खिलानी है। आप इतने संख्या में आ गए, इसका मतलब कांग्रेस का बहुत ही भारी जोश खरोश है कार्यकर्ता के अंदर। करवाना चाहता हूं सर्वप्रथम देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विद्याधर बेनीवाल को, पंचायत समिति के प्रधान श्री गणेश ढाका और उप प्रधान श्री दीवान सिंह, दोनों मिलकर के माला बनाएंगे। उसके पश्चात कहना चाहूंगा कि पंचायत समिति का प्रधान और उप प्रधान पूरे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए आप सब लोगों की तरफ से माला जो है पहना दी गई है। अब मैं शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सविता राठी जी के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती उषा जी बगड़ा और भाई सिकंदर अली जी सभापति और भाई बाबूलाल कुलदीप सभापति, उनको माला पहने और कुछ कुछ भेंट करें। श्री कन्हैयालाल जी माली अध्यक्ष ओबीसी शहर को माला पहना कर स्वागत करेंगे। ओबीसी जिले के अध्यक्ष भाई बजरंग सेन नानू जी सुधार आए हैं क्या, कहीं हैं क्या? रस्ते अब ये रोपड़ी फारूक होगा। श्री मुकुल मिश्रा अध्यक्ष है, 101 किलो की माला
इन दोनों नव निर्वाचित अध्यक्ष को पहने जाएगी। होंगे प्रधान जी, उप प्रधान जी, सभापति जी, उप सभापति जी और मेरा नाम भी है। एक सौ एक किलो फूल माला के द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया है। श्रीमान विद्यापति जी बेनीवाल और गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी, जिनका 101 किलो फूल माला के द्वारा सभी पदाधिकारियों के द्वारा पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग के साथ स्वागत किया गया है। उन दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा रखता हूं कि उनको पार्टी के अंदर कहीं कहीं प्रमोशन जरूर मिलेगा उनकी मेहनत को देखते हुए। अब मैं सबसे पहले ये परीक्षा की घड़ी भी है, चुनाव के अंदर पूरी भागदौड़ रहती है, तो मैं उनसे ये आशा विश्वास करता हूँ कि वो आप पूरी मेहनत और लगन से काम करें और कांग्रेस को और मास्टर मोहनलाल जी को विजयी बनाए। धन्यवाद। आपको मालूम मनोनीत नहीं, ये चुनिंदा है यानी निर्वाचित है। एक तो होता है मनोनीत और एक होता है निर्वाचित। तो हमारे देहात प्रो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विद्याधर जी बेनीवाल, हाथ एक बार हाथ जोड़ दो, तुम्हारा ताली बजाओ जोरदार। भाई विद्याधर जी बेनीवाल ये पहले बरसों तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, इन अब थोड़े थोड़े व्हाइट आ गए, सफेद बाल आ गए, इसलिए इनको नव निर्वाचित नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ऊर्जावान, मतलब मैं सोच रहा था कि एक महिला एक पुरुष निश्चित तौर से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर जगह जो 20% का कोटा होता है महिलाओं का, कांग्रेस पार्टी में 20% का कोटा है और उस कोटे में सुजानगढ़ शहर, पिछली बार सुजानगढ़ देहात आ गया था, अब इस बार कोटे में सुजानगढ़ शहर आ गया। तो मैंने सोचा किसको बनाया जाए, ऐसी महिला बनाया जाए जो बोलने में होशियार हो, काम करने में होशियार हो और काम करने के साथ साथ वोट कैप्चर करने के अंदर होशियार हो। और उसके बाद में मैडम जी आपकी वाक्पटुता में आप होशियार हो, हर बात में होशियार हो, इसलिए सविता जी राठी के लिए भी। तो ये नव निर्वाचित, अब आप कहोगे शहर के लिए कैसे बनाया, एक बिंदु है शहर के लिए कैसे बनाया। शहर के लिए इसलिए बनाया कि हमारी 262 आपकी पोलिंग है कुल, और सुजानगढ़ और बिदासर दो शहर है, बिदासर में 21 पोलिंग है और सुजानगढ़ में 62 पोलिंग है, कुल पोलिंग होगी 83। उन्होंने कहा 100 से कम हम ब्लॉक नहीं बनाएंगे। मैंने सोचा देहात अलग शहर अलग बनाए, इसलिए शुरू से ही हमने गोपालपुरा पंचायत, गोबासर पंचायत, 1-2-3 और पंचायत, लेकिन हमने 100 नफरी करके और गोपालपुरा शहर में है, इसलिए इसको शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अब आप सोचते कई आदमी थोड़ा है, वो थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। प्रदीप जी आपको तो मालूम है, आप तो रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर हमारी नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सविता जी राठी हैं, और सविता जी राठी के लिए मैंने जैसा कहा है कि वो गोपालपुरा की सरपंच भी हैं और पूरे राजस्थान के अंदर जो पंचायत राज का जो गठन है हमारी कांग्रेस का, एक पंचायत राज प्रकोष्ठ बना हुआ है हमारे सुजान अपने पूरे राजस्थान के अंदर जयपुर में, उसके अंदर उपाध्यक्ष उसमें अध्यक्ष तो है रामविलास चौधरी टोंक का, जो जिला प्रमुख रहा है और टोंक का अब तक जिला अध्यक्ष भी था, और उसके हमारे कांग्रेस के प्रकोष्ठ के अंदर उपाध्यक्ष राजस्थान की हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सविता जी को अगर अपन इस काम के अंदर और काम करने वाले भी हैं, दौड़ने वाले भी हैं, और मोटी सी बात यह कि मेरे पास पैसे लगाने वाला पहले प्रदीप तोदी था, देखो झूठी बात करूंगा, साफ सी बात है, पहले प्रदीप तोदी ने खूब पैसे लगाए 12-13-15 साल तक, और अब सविता जी को लगाना ही पड़ेगा।
आप तो समझ रहे हो ना। अब अकेला मैं कहां कहां क्या क्या करूंगा आप बताओ। चुनाव लड़ू लड़ाऊ, पंचायत चुनाव लड़ाऊ, नगर पालिका चुनाव लड़ाऊ। इसलिए मैं प्रदीप सोधी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने शानदार कार्यकाल के अंदर काम किया है। और रामनारायण जी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जिले के अंदर निश्चित तौर से प्रदीप सोधी की पदोन्नति होगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और हमारी कमला जी गोदारा है, उनकी जिले में पदोन्नति होगी। दोनों के लिए ताले बजा दूंगे। दोनों को मैं जिले के अंदर बड़े पदों के अंदर अध्यक्ष के बाद जो पद ये जो चाहेंगे पद वो पद आपको मिलेंगे, क्योंकि आप निवृत्ता न हो, आप काफी वर्षों तक मेरे साथ रहे हो। यहाँ पे आपको जिले के अंदर भी काम करना पड़ेगा। अब आपके सामने डाका उप प्रधान दीवान सिंह जी, उसके बाद में हमारे सभापति सिकंदर जी खिलजी, उसके बाद हमारे उप सभापति आपको मालूम है कि बाबूलाल जी कुलदीप। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा भाई रामावतार को। तो रामावतार शर्मा जो नगर सुजानगढ़ का अध्यक्ष है, अभी भी अध्यक्ष है, जब तक ये चाहेगा तब तक अध्यक्ष रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरे 50 साल से मेरे साथ है। पहले इनके पिताजी नथमल जी मेरे साथ रहते, मेरे घर के सामने घर इनका पुराना, और अभी ये नगर के अध्यक्ष हैं। आप नगर के अध्यक्ष हैं, आप ये मत सोचना, ये तो दो ब्लॉकों की दो शहरों के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप नगर के अध्यक्ष हैं, आपको वैसा ही काम करना है जैसा आप पहले गए थे। और क्या मैं ये कह दूं, डिक्लेयर कर दूं आपको, कर दूं ना, खड़े हो जाओ, तालियां बजा दो, ये सुजानगढ़ नगर के अध्यक्ष हैं। भाई भाई गुणगान तो तेरा काम तो तू ही करे, प्रदीप के सगे, अभी का अभी सविता जी ऐसा काम करना पड़ी। तो ये हमारे नगर का अध्यक्ष मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये भी जरूरी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महिला की महामंत्री है, खड़ी तो हो, ये राजस्थान प्रदेश, इसको भी एक माला पहनानी पड़ेगी। ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महिला विंग की महामंत्री है, लाओ एक मधु राजस्थान प्रदेश। लेकिन मैंने ये मैंने कह रखा है, बेटे बेटियां घरवाली चाचा भतीजा ये अपने किसी भी नेता को बदनाम कर देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि 40 साल की राजनीति होगी मुझे। हालांकि बनारस मेरे से बहुत ऊंचे पद पे है, मैं तो सिर्फ पीसीसी का ही मेंबर हूं, मैं तो सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं, पायलट के बाद दो नंबर पे। लेकिन बनारस मेघवाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर है, अभी कोई निर्वाचित नहीं, उसके लिए भी तालियां दो, वो भी निर्वाचित है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो एसीसी में मेंबर गए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को चुना, मैंने तो सिर्फ चुना है, मैंने तो चुना सिर्फ सचिन पायलट को, उन्होंने चुना है राहुल गांधी को। तो मैंने कहा तो मेरे पास मीटिंग मीटिंग मत आना, नहीं लोग कहते हैं बेटी तैयार कर दी थी, चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसा नहीं होगी कोई कि बेटे या बेटी, अभी मैं जवान हूं। सविता जी हैं, दोनों काम करेंगे। तो मेरे को राजस्थान देखना पड़ेगा, पहले तो प्रदीप के साथ बहुत काम किया मैंने, लेकिन अब आपको स्वयं को काम करना पड़ेगा। अब आप ऐसा मत सोचना कि मेरे भरोसे आप रहो, अब कांग्रेस को आपको चलाना है। कांग्रेस का कार्यालय बाजार में है, लेकिन वहां पे साइकिल मोटरसाइकिल भी नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए ये कार्यालय है, यहाँ पे रहता तो है नहीं, यहाँ तो भागीरथ रहता है और नावा रहता है, या भागीरथ की बीन नहीं रहती है, दो तीन छोड़ा चाय पानी पिलाता ही रहे, बाकी पूरा घर कार्यालय है, पूरा घर कार्यालय। अभी सारे जा रहे हैं, अंदर जा रहे नहीं, कोई मना कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरा कार्यालय आप जचाओ कहीं जचाओ, लेकिन आपको अब मेरे भरोसे मत रहना। दोनों आप समझ गए ना, दोनों जनता के सामने कह रहा हूं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि विभिन्न गांव से और शहर के वार्डो से आए हुए और विद्यासर से आए हुए धर्मचंद जी सोनी जो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं, और हमारे पूर्व चेयरमैन जो सब प्रतिनिधि रहे भावर जी ढाका, और हमारे सांडवा से भी हमारे सरपंच जाकर साहब भवरा रेगर और महेश पारिक और पूरी टीम आई है। हालांकि मैंने किसी को फोन नहीं किया, मेरे को कल इन्होंने ये नहीं बताया, कल मेरे को इन्होंने भावर जी कल मेरे को पता नहीं था, और ये पता नहीं कब बाला बाला फोन कर दिए इन लोगों ने,
फोन करने वाले केवल तीन आदमी थे, एक धर्मेंद्र। मैंने पूछा नहीं आदमी को फोन किसको किया, लोग नाराज हो जाएंगे, कई लोग फोन हुआ नहीं, लोग कहीं फोन किया नहीं, मैंने किया नहीं। तो तीन आदमी थे, राधे श्याम जी अग्रवाल ने कुंडली में गुड़ फोड़ा। राधे श्याम जी अग्रवाल ने चुपचाप धर्मेंद्र को कहा कि तू इधर कर, मैं इधर करता हूं, प्रधान को कहा और एक बाबूलाल कुलदीप ये बैठा चुपचाप और राम होता। आप लोगों ने कहा तीन चार लोग मेरे विद्याधर विद्याधर का प्याय पांडी आ गई, मैं तो सो गया। सुबह मैं उठा तो लोग आने लगे, मेरे आज इतनी भीड़ कैसे आ रही है। तब पता लगा इन लोगों ने फोन कर दिया, तब ये अचानक टेंट बंद आ गया, अचानक लड्डू फुलाने के लड्डू मैंने कहा भाई मीठा मुंह तो कराऊं, तो लड्डू मंगाए गए। ये माला कब ला करके यहाँ रखी, मेरे वाइफ ने कहा कि मेरी वाइफ आई है तो उसने कहा कि आज बहुत बड़ी माला कह लिया ले ली। बोलो वो एक माड़ी आया था लेकर के, तो पायलट आ रहे हैं लो साहब, अरे तब एक बैठा था लो साहब, पायलट साहब हमारा पतिदेव है, आप समझ गए क्या? अरे बाघ तो वो 71 से लेकर के बागसरा और सालासरा खरीदा, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी लंबी 140 किलोमीटर लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें तो ये पूरे देहात के अध्यक्ष काम करेंगे। और अब ये जो फोन करे तो इसको आपको ये मानना चाहिए, ये फोन करे या मेरा भाई खिवाराम ने फोन करे तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये फोन मैंने ही किया है। अब तो ठीक है, कल को आप ये मत सोचना कि मास्टर मोहनलाल जी तो मेरे बड़े मुश्किल काम है मेरे लिए। अब आपको आपकी जिम्मेदारी देहात में है, देहात का मतलब पूरी 37 पंचायतें हैं, तो 3-4 पंचायत शहर में, लेकिन वो सारा का सारा देहात के साथ उनको आपको रखना है और वो सारा का सारा काम आपको करना है। शहर के अंदर दोनों शहरों के अंदर मैडम जी आपको, आपके पास तो बहुत साधन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर मैन है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आपका एकदम सेंटर के अंदर मकान है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। आप भी पूरी टीम बनाओगे और टीम बना करके और आने वाले समय में जैसा कहा गया है, मैं नहीं कहता कि 5,000 से 6,000 से, या मैं नहीं कहता 2,500 से 5,000 से 3,000 से 10,000 से, मैं नहीं कहता, मैं इतनी बात कह सकता हूं कि जीत जीत होती है और जीत जीत होती है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कमला गोदारा प्रदीप तोदी के, कमला गोदारा और प्रदीप तोदी के नेतृत्व के अंदर चाहे बैंकों के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव, कमला गोदारा और प्रदीप तोदी ने बड़ी मेहनत के साथ काम करके काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में विद्याधर बेनीवाल और सविता जी राठौर दोनों मिलकर के इस प्रकार का काम करेंगे कि राजस्थान में इतिहास दोहराए, लोगों को पता लगना चाहिए कि मास्टर मोहनलाल जो राजस्थान में चप्पे चप्पे में घूमता है। आपको जानकारी दे रहा हूं मैं 22 तारीख को यहाँ से दिल्ली गया, 23-24 का सम्मेलन था वहां रहा, 24 को रात को यहाँ आया, 25 को तमोरा था, 26 को हम भीलवाड़ा में थे, 27 को हम उदयपुर में थे बड़ी मीटिंग, और उसके 28 के बाद में सीधा 29 तारीख को आपको मालूम है कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी रैली थी, उसमें कई लोग गए भी थे, सीधा मैं वहां चला गया। और उसके बाद 1 तारीख को आया और 1 तारीख को आने के बाद में 2-3 दिन जयपुर रह करके फिर यहाँ पे आया, क्यों अध्यक्ष बन गए। मैंने कहा अध्यक्ष जब बन गए दोनों तो अपने को चलना चाहिए, मेरे को तो पहले ही पता था क्योंकि वो लिस्ट बनाने वाला तो आप जानते हो क्या होता है, आप समझ रहे हो ना सर, कि मैं तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं सारा काम, तो मेरे को सब जानकारी थी, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि सारी जिम्मेवारी अब शहर के अंदर भाई राम अवतार के साथ सविता जी और सविता जी के साथ राम अवतार और उसके बाद के अंदर विद्याधर बेनीवाल के साथ ये, और जो नए प्रकोष्ठ अब बनेंगे, अब बना रहे प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ में बनाऊंगा कई प्रकोष्ठ, 10-12 प्रकोष्ठ और हैं, उनमें सब नियुक्तियां करेंगे, इनकी कार्यकारिणी बनाएंगे, कार्यकारी पूरी बनेगी, उसके अंदर 31 आदमी 51 जितनी कार्यकारिणी बनाना चाहे उतने नाम सिलेक्ट करें, 37 पंचायतें हैं, आप 51 की कार्यकारिणी बुला लें या 41 भी बुला लें, हर पंचायत से एक कार्यकर्ता आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दिल्ली में मोदी जी दिल्ली में नहीं रहेंगे, हमारी जेब के ऊपर डाका डाला है, हमारी जेब लोगों का ऐसा भट्ठा बैठाया है कि आज अच्छे अच्छे आदमियों के पास पैसे नहीं है, आज बैंकों के पैसे नहीं, बैंक पैसे नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं है, हमारी जेब में पैसा नहीं है, हालात इतनी खराब है। आज बाजार के अंदर आप जाओ किसी भी दुकानदार के पास, वो धीरे से यही कहता है कि भाई क्या बताएं,
अब की बार तो वोट भेटो मोदी के खिलाफ जहाँ, और मोदी के खिलाफ जहाँ का मतलब कहीं बैठे समझ लो ये हालात पूरे बने हुए हैं। मैं भी सोचता था यार 4 लाख से हारा हुआ क्या अपन जीत पाएंगे, लेकिन 2-2, 3-3 लाख से चुनाव जीत गए। 4 लाख कवर किया अलवर में, 2 लाख से जीत गए अजमेर में, 2 लाख से कवर किया, 1 लाख से जीत गए। और अब तक राजस्थान के अंदर 22 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं और 22 के अंदर 20 में कांग्रेस विधानसभा जीती है, 20 में जीती है। और राजस्थान के अंदर कुल 300 के आसपास प्रधान है, तत्काल चुनाव हुए 130 के ऊपर प्रधान बने, 33 में से 13 में जिला प्रमुख बन गए। आने वाले समय के अंदर आप सब लोग तैयार हो, बैंकों में तैयार है तो सारी कोऑपरेटिव इनके पास जाएगी, सारी कृषि मंडी इनके पास जाएंगे, सारी बैंकें इनके पास जाएंगे, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। चुनाव होना चाहिए, कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ आज कितने वर्ष हो गए, भूमि विकास बैंक का चुनाव 1 वर्ष हो गए, क्रय विक्रय का चुनाव 1 वर्ष हो गए, कृषि मंडी का चुनाव बहुत ही आपके बाद में आप काफी समय निकल गए, 8-10 महीने निकल गए, अभी तक चुनाव नहीं है। डर रही है भाजपा सरकार, डर रही है इस बात से, डर रही है कि चुनाव नहीं। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि ये सुजानगढ़ की आंधी चूरू जिले में जाए और चूरू जिले की आंधी राजस्थान में जाए और ये कांग्रेस का परचम फहराए तब काम चले। आप समझ रहे हो मुख्य अध्यक्ष नहीं बन रहे, आपस में लड़ रहे हैं, इसका असर जनता पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? आज हमारे बताओ, हमारे आज 2 अध्यक्ष बने हैं, हमने कोई लड़ाई करी क्या? आराम से सब आ रहे, सब राजी है, विद्यानंद बेनीवाल के नाम पे सब राजी है, सविता जी के नाम पे सब राजी है, एक अप्रकाश का व्यक्ति हो गया, एक ओबीसी का व्यक्ति हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज राजस्थान के अंदर अध्यक्ष नहीं बना रही है, अध्यक्ष अमित शाह और अमित शाह नहीं बना रहे, दोनों नहीं बना रहे, काम हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं।